चिकन। हर रेसिपी को बनाने के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन कि मैं क्यों बनाऊं। अब जैसे मुझे लगा कि चिली पनीर तो बना दिया, चिली चिकन क्यों बनाऊं। फिर मैंने सोचा यार, मेन चीज़ चिली चिकन में जो है उसका मैरिनेशन है, वो आपको पनीर में हमने दिखाया नहीं, तो इसलिए मैं मोटिवेट हो गया। मुझे नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आपकी ज़िंदगी बदलने वाला चिली चिकन देखने के लिए हो जाइए तैयार। मैं जो है हाथ वाथ खोल के, नहा धो के, मतलब हाथ धो के रेडी होता हूँ म्यूजिक के बाद में। कॉलिंग एंड एक्शन। नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। अब बनाते हैं चिली चिकन। भाई चिकन जो है वो दिल्ली की सर्दी में एकदम कड़कड़ाती ठंड में -1 पे क्यों निकला? क्योंकि उसको चिली चिकन। तो सबसे पहले लेग यूज़ करनी है कि ब्रेस्ट यूज़ करनी है? देखिए आप जो चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप लेग यूज़ कर रहे हैं तो डाइसेस काटें, ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिप्स काटें। क्यों? क्योंकि लेग जो है वो जूसी होती है, उसको पतला पतला काट के ड्राई करने में कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए डाइसेस काटें। जो ये ब्रेस्ट है इसकी ब्यूटी इसकी लंबाई होती है, इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स निकालें, वो जूसी भी रहेंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे। और वो रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, आपको लगता है स्ट्रिप वाला चिली चिकन अच्छा है, उसके लिए मैं आपको ब्रेस्ट वाला दिखा रहा हूँ जी। ये है चिकन ब्रेस्ट, ठीक है? एक चिकन से दो निकलती हैं। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। अगर आपने हमारी रेसिपी देखी हो चिकन कटलेट की, तो उसमें हमने आपको दिखाया है ये रेशा कैसे चलता है और कैसे काटना चाहिए। जहां पर आप चाहते हैं कि रेशा आए मुंह में, वहां पर आपको अलोंग द ग्रेन काटना है, ताकि चिकन के लंबे लंबे थ्रेड्स आपके मुंह में आए। लेकिन मैं यहां पर नहीं चाहता कि रेशा आए, इसलिए मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में काटूंगा। अगेंस्ट द ग्रेन बोलते हैं जिसको टेक्निकली। छोटी छोटी बातें होती हैं जी, जमीन आसमान का फर्क डाल देती हैं। ये देखिए, टेक्निकली अगर आपको समझाऊं तो ये रेशे को मैंने ऐसे काट दिया है ताकि लंबा लंबा रेशा मुंह में ना आए। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अगेंस्ट द ग्रेन काटना या अलोंग द ग्रेन काटना, इससे माउथ फील, टेक्सचर सब कुछ बदल जाता है। इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। हो गया आज का लेसन, इतना ही। सब थोड़ा ना बता दूंगा एक ही वीडियो में, है? तिल का तेल या रिफाइंड ऑयल, कुटी काली मिर्च, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, चिली सॉस, अदरक लहसुन उर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हाँ, अंडा डाल दो एक। ये मेरी सुंदर सी अंडेदानी है। ब्यूटीफुल। व्हाई डिड रणवीर नॉट वॉश द चॉपिंग बोर्ड? क्यों नहीं वॉश किया रणवीर ने चॉप बोर्ड? गलत बात है ना? उसके दो कारण है जी। एक तो ये कि यहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन का डर नहीं है, बिकॉज मैं एक वेज और एक नॉन वेज डिश नहीं बना रहा हूँ। सब्जी जो है वो नॉनवेज डिश में ही डायरेक्टली चली जाएगी, सब साथ में पक जाएगा, तो उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा। इसलिए नीचे कमेंट्स में मत लिखिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करिए कमेंट्स में। मेरे को बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। बुरी चीज़ें का मज़ा भी आता है, बुरी चीज़ों का भी, पर मत लिखा करिए। डाइसेस काटने हैं जी शिमला मिर्च के। देखो ज़रा खोपड़ी देखो रणवीर बरार की, कमेंट्स की बातों में लग गया और गलत कट काट दिया। यहाँ पर डाइसेस काट दिए ये सोच के कि वो चिकन लेग का बना रहा है, लेकिन डाइसेस नहीं काटने थे। क्या काटने थे? स्ट्रिप्स। क्यों? क्योंकि चिकन के स्ट्रिप्स काटे हुए। अभी हम अपनी गलती को सुधारेंगे और हरे वाले के काटेंगे स्ट्रिप्स। देखो जी, साफ कहना सुखी रहना। एक डिश जो है ना वो एक परिवार की तरह होती है, और परिवार के जो तमाम मेंबर्स हैं वो एक जैसे दिखे तो अच्छा होता है ना। बस मुझे पता है आप क्या कहेंगे, रणवीर आप खाना बना रहे हैं या पारिवारिक शो बना रहे हैं? आई नो व्हाट यू विल से। तो जी अगर आप बना रहे हैं चिली चिकन फॉर स्टार्टर, तो उसके लिए गार्लिक ले लीजिए। हैं, एज अ बेसिक रूल स्टार्टर्स में जिंजर बढ़ा लीजिए और मेन कोर्स में गार्लिक डाल लीजिए, ठीक है जी? जिंजर से फ्रेशनेस आती है, गार्लिक में एक सीरियस नोट होता है जो मेन कोर्स के साथ ही अच्छा लगता है। स्टार्टर्स को फ्लर्ट करना चाहिए आपके साथ। अब मुझे पता है आप क्या करेंगे, गेस्ट आएंगे आप बोलेंगे ये खाओ मेरा स्टार्टर, ये फ्लर्ट करता है, रणवीर ने बोला है। देखो जी, हंसते खेलते जो है खाना बन जाए वो अच्छा है। कटिंग हो गई है, ये कटिंग को अच्छे से देख लीजिए। कटिंग चॉपिंग ये जितनी आप पहले कर लेंगे उतने सुखी रहेंगे। चाइनीज़ खाने में मैं हमेशा कहता हूँ 80% काम जो है वो चूल्हे पे चढ़ने से पहले हो जाता है। देखो जी, ये आ गया हमारा वापस चिकन सिंह, ठीक है जी? अब ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर चिकन खाया भी जाता है पहना भी जाता है? नखलऊ। भाई हम चिकन के कुर्ते पहनते हैं और बढ़िया एकदम चिकन कबाब खाते हैं।
बीच में लखनऊ की मार्केटिंग चलती रहनी चाहिए। चाहे आप चाइनीज खाना बना रहे हैं जो कि कलकत्ता में टैंगरा से फेमस हुआ, लेकिन लखनऊ की टांग बीच में डाल के रखिए। तमाम लखनऊ वाले जो दुनिया भर में हैं, अपनी अपनी टांग नीचे डाल दीजिएगा कमेंट्स में। चलो जी, लखनऊ से आ जाते हैं वापस टैंगरा। टैंगरा यानी कि वो जगह जहाँ पे इंडियन चाइनीज खाना फेमस हुआ। टैंगरा के पास, कोलकाता के पास एक जगह थी अच्छीपुर, जो आज अच्छीपुर है, जहाँ पर टोंग अच्छी नाम के व्यापारी आए। उन्होंने ढाका मूल के चाइनीज निवासियों को वहाँ पर बसाया और उसके बाद धीरे धीरे वो सारे टैंगरा मूव हुए, जहाँ पर टैनरीज थी, चमड़े का काम होता था। वहाँ पर चाइनीज क्विजीन हिंदुस्तानी इंग्रीडियंट के साथ बननी शुरू हुई और 150 साल में जो बन के आया उसको आज आप इंडियन चाइनीज खाना कहते हैं। सिंपल। इसके लिए मैं अलग से बैठा नहीं, अलग से बैठूंगा थोड़ी देर बाद आपको चिली चिकन, ये जो अपना वाला चिली चिकन है, इसकी हिस्ट्री बताने के लिए। ठीक है, तो जी एक भाग तो इसमें डालना है कॉर्न स्टार्च उर्फ कॉर्न फ्लावर और 2 भाग हो गया इसमें मैदा। अब इसके अंदर पानी डालने की जरूरत है, तो पानी मत डालिए। क्या डालिए? अंडा उर्फ अंडा। द फर्स्ट मैरिनेशन हैज टू बी रियली स्ट्रांग। जो पहला मैरिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज बाद में आप उसको डाइल्यूट वैसे भी करेंगे मैदे और नमक के साथ। तो इसलिए ठोक के डालें अदरक लहसुन, ठोक के डालें काली मिर्च, उसमें कंजूसी ना करें। चिली जो आप वो डाल रहे हैं सॉस, वो भी ठोक के डालें। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल नहीं, विनेगर डाल सकते हैं। विनेगर से क्या है, चिकन गल जाएगा, तो एक टेंडरनेस आ जाएगी चिकन के अंदर। ऑयल तो वैसे भी डाला था आपने, और ऑयल थोड़ा और डाल दीजिए। ऑयल डालने से क्या होता है कि ये जो आपका मैदा है इसको बराबर से चिकन को कोट करेगा, और दूसरा क्रिस्पीनेस आएगी। कभी भी कुछ भी फ्राई करना हो, लास्ट में थोड़ा सा तेल उसमें डाल लीजिए, जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा कसम से। वाह, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि बस एकदम जो है चिली चिकन छोड़ो, ऐसे ही खा लो रणवीर बरार, हो गया ना क्रिस्पी मामला एकदम। अच्छा, ये काम आप चिली पनीर में नहीं कर सकते अंडा उंडा डालने का, लेकिन चिकन में डालिए, कोटिंग भी आती है, क्रिस्पीनेस भी आती है। दूसरी चीज़, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, वो देखिए, एक तो चिकन ब्रेस्ट है, उसको ज़्यादा वक्त ना दे तेल के अंदर, ठीक है, फूक मार के पकती है। दूसरा, इसने वैसे भी अभी जाना है ससुराल, सॉस में ये झाग बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तेल खराब है, ये जो अंडा है ना बैटर में उसकी वजह से बन रही है। देखिए, डाल के निकाला और चिकन पक गया। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि फूक मार के पकता है। छोटे स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, अगर आपको जैसे मतलब लग रहा है कि रणवीर बड़े कट गए, तो छोटे स्ट्रिप्स काट लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, घर की बात है। ये थोड़ा रंग इसलिए भी पकड़ रहा है बिकॉज ऑफ एग योक, और झाग भी एग योक की वजह से बनता है। क्यों? क्योंकि एग योक में लेसिथिन होता है, लेसिथिन जो है वो इमल्सिफायर होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब एयर को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है उसके अंदर, और इस तरह ये एयर को ट्रैप करके आपको प्रूव कर रहा है कि देखो एग योक से लेसिथिन इसके अंदर जा चुका है। बाकी इफ यू ट्रस्ट मी, और अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करेंगे अंडे के साथ। ब्यूटिफुल, मैं क्या क्रिप्सी दा करारे दा करारा। चलो जी, शुरू करते हैं। अभी एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे बड़ा चूल्हा और सबसे पतली कढ़ाई। चाइनीज़ खाना घर पे बनाएं या कहीं भी बनाएं, प्रिंसिपल यही है, केचप जिसमें कद्दू नहीं है, फिर चिली सॉस लाल वाला, फिर चिली सॉस ये गंदा वाला डट्टी चौधरी चिली सॉस आता था पहले, थोड़ा सा विनेगर, पानी, शक्कर, काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है। अब मैं क्या चिल्ली चिकन था, पाव चिल्ली ठोक के ये लो। आम तौर पे जब हम घर पे बनाते हैं तो फिर खट 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 करने में गरम गरम कढ़ाई में चीज़ कुछ ना कुछ जल जाती है। इसलिए कभी भी घर पे बनाना है तो ऐसे एक झोलझाल फाइनल सॉस का रेडी करके रख लेना है, ताकि जल्दीबाजी में कुछ भी खराब ना हो। ठीक, ये ड्राई चिली है जी, लाल एकदम गरम गरम तेल में डालते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी चिली डाल दीजिए, कोई बात नहीं, एक स्मोकीनेस आती है, एक डेप्थ आती है सॉस में। अब इसको ब्राउन नहीं करना है, पंजाबी दाल तड़का नहीं बनानी। चाइनीज़ खाने में ना टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाना। ये लो, ये हमारे सारे गोलाघाटी सॉस। अब मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह पहले क्यों नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली क्योंकि घर के चूल्हों में क्या होता है कि वो हीट नहीं होती है। शिमला मिर्च जब तक पकती तब तक प्याज का हलवा बन जाता, फिर सॉस आता, तो बेसिकली जब बन के बनता तो फिर चिकन शिमला मिर्च की सब्जी बन जाती, वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, टेक्सचर, राइट, मतलब चिल्ली चिकन बोले तो चिल्ली चिकन। उसके बाद ये भाई साहब यहाँ पड़े हैं, इसके बगैर आप इंडियन चाइनीज़ खाना नहीं बना सकते। इन भाई साहब का नाम है जी कॉर्नफ्लावर उर्फ कॉर्न स्टार्च, जिनको हमने पानी में घोला हुआ है। मैं जो है ग्रेवी भी बनाता हूँ तो भी कोटिंग ही रखता हूँ, आई डोंट लाइक टू मच सॉस, इसलिए मेरा सॉस जो है लिमिटेड रहेगा। आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल दीजिए। ये गई हमारी सब्जी हरी और लाल, और ये गया हमारा मुर्गा।
अब जो है शिमला मिर्च वगैरह पक चुकी है, इससे ज्यादा नहीं पकानी, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला चिकन और शिमला मिर्च की सब्जी नहीं बनानी, चिली चिकन बनाना है, ठीक। देखिए जो चिकन का बैटर है ना, ये सारा सॉस पी जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वो ग्रेवी वाला चिली चिकन बनाना है, तो बस जो आपने सॉस लिया है उसकी क्वांटिटी चेंज मत करिए, सिर्फ पानी की क्वांटिटी डबल कर दीजिए बस, ठीक है। बेसिकली कुछ भी जो है हाई वाटर है, अगर जैसे हाई वाटर वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च, कैबेज, हाई वाटर वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर का पानी वैसे भी उनको जल्दी पका देता है। कमाल है ना कि रणवीर ने अभी तक धनिया नहीं डाला, वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप नहीं हो गए। देखिए चिली चिकन के इजाद की दो कहानियाँ। सबसे पहले यह है जो बहुत कॉमन है कि 1974 में शेफ नेल्सन वॉन्ग, जो कि इंडियन चाइनीज इमिग्रेंट्स के बेटे थे, मुंबई आए, ताजमहल होटल में फ्रेडरिक्स में काम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स लिए, उनको चाइनीज सॉसेस के साथ मिक्स किया और जो बन गया उसे चिली चिकन कहते हैं। शेफ वॉन्ग ने बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट्स खोले मुंबई में, जो आज भी बहुत फेमस है। और दूसरी थ्योरी टैंगरा में कई रेस्टोरेंट वाले, जैसे बिग बॉस रेस्टोरेंट जिनसे मैं बात करता हूँ, वो ये मानते हैं कि जब 1924 में पहला इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट नानकिंग खुला टैंगरा में, तब से ही रोस्ट चिकन बड़ा फेमस था मेन्यू में। रोस्ट चिकन जो है विद बोन चिकन होता था, जिसको कि पहले बॉयल करके रोस्ट करते थे पीकिंग डक की तरह, लेकिन वो रोस्ट चिकन बच जाता था, तो उसको फिर धीरे धीरे इन्होंने मसालों में और ग्रेवी में टॉस करके देना शुरू किया, जो बहुत पॉपुलर हो गया, जिसे चिली चिकन कहा जाने लगा। वो ये कहते हैं कि विद बोन चिली चिकन ही असली चिली चिकन है। थ्योरी मैंने आपको दोनों बता दी, आप चूज कर लीजिए आपको कौन सी पसंद है। मुझे दोनों पसंद है, बाकी दोनों बताने का कारण ये था कि अगर मैं एक बताता तो आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। चल टेस्ट कर ले, मेरे को ये प्लेट दे दी गई है, बुला के बेइज्जती मत करवाना, घर की तरह कढ़ाई से खा रहा है, प्लेट में खाना। तो लगे हाथ में आपको चॉपस्टिक्स यूज़ करना सिखा देता हूँ ना। देखिए चॉपस्टिक्स जो हैं वो दो होती हैं, ऊपर वाली चॉपस्टिक को ऐसे पेन की तरह पकड़ें, देखिए ऐसे पेन पकड़ा हुआ ना, ऐसे पेन की तरह पकड़ के ऊपर फंसा लें, और जो नीचे वाली चॉपस्टिक्स है ये, उसको इस उंगली के ऊपर फंसा लें और ऊपर से अंगूठा ऐसे दबा लें। अभी कौन सी उंगली मूव कर रही है, ये पेन वाली, और कौन सी उंगली लॉक है, ये, और इसको लॉक कैसे किया हुआ है मैंने, ये देखिए अंगूठे से, ये देखिए अभी ये लॉक है एकदम, ठीक है। और ये है हमारी पेन वाली, तो दो चॉपस्टिक, एक पेन चॉपस्टिक एक लॉक चॉपस्टिक, ऐसे करके डालिए और पेन वाली चॉपस्टिक मूव करेगी, लॉक वाली चॉपस्टिक वहीं रहेगी, देखिए देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है। बस यही प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको अच्छे से सीखना है तो तली हुई मूंगफली ले लीजिए और तली हुई मूंगफली को चॉपस्टिक से उठाने की कोशिश करिए, और अच्छे से सीख जाएंगे आप। नहीं तो एक काम करिए, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, जब आप रेस्टोरेंट में जाएं तो चॉपस्टिक मंगवा लीजिए, उसके बाद ऐसे करके चॉपस्टिक ऐसे करके पकड़िए और यूं करिए, और जब कोई देख ना रहा हो तो कांटा लीजिए और धन्यवाद मुझे झेलने के लिए, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, धन्यवाद अनसब्सक्राइब ना करने के लिए, धन्यवाद इसको शेयर करने के लिए, और धन्यवाद इसको बनाने के लिए। आप बनाएंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बाकी आइटम पटाखा है, वो हमारी गारंटी है।